नमस्कार, जय हिंद मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों अन्नदाताओं। आज 30 अगस्त 2023 दिन बुधवार, दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में आज शाम तक का क्या अपडेट रहा, वहां पर क्या आवक रही और किस रेट में प्याज बिका मंडी में, क्या किसानों को कुछ लाभ हुआ या पहले की तरह रेट मद्दा ही रहा, पूरी की पूरी संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में अगर हम आवक की बात करें तो लगभग आज 90 से 98 गाड़ियां आई थी, जी हां, शाम तक। और आसाम से, हरियाणा से, पंजाब से, छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से, अन्य अन्य राज्यों से गाड़ियां आई थी। लेकिन यहां पर अगर भाव की बात करें तो भाव फिलहाल मध्यम मीडियम ही आज रहा, क्योंकि आज राखी का त्यौहार है और कल भी, हालांकि 2 दिन का राखी का त्यौहार है, हर जगह यहां भी है। तो मैं आपको बता दूं, 2 दिन के त्यौहार की वजह से आज और कल जो मध्यम मंडी में जो मार्केटिंग रहेगी वो हल्की रहेगी और प्याज का जो होलसेल है यानी कि भाव है वो भी मद्दा रहेगा। लेकिन मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूं यहां पर, तभी मैं आप लोगों के लिए वीडियो अभी बना रहा हूं। इस टाइम 4-5 बजे के टाइम मैं आपको बता दूं किसान भाइयों, 3 से 4 दिन का टाइम रह गया। अगर आपके पास प्याज स्टॉक लगा हुआ है तो उसको स्टॉक ही रखिए, क्योंकि 3 से 4 दिन के बाद आपका जो प्याज है वो काफ़ी अच्छी रेट में बिकने वाला है। जी हाँ, प्याज दूनी रेट में जाएगा। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और 3 से 4 दिन के बाद प्याज अपना मंडी में